हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। पोर्न स्टार से बॉलीवुड एक्ट्रेस बनी सनी लियोन लोगों के दिलों पर जमकर राज करती नजर आती हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि बॉलीवुड में कदम जमाना इतना आसान नहीं है, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग इस बात को साफ दर्शाती है कि सनी तो आखिर सनी है। हाल ही में सनी लियोन सेक्स एजुकेशन पर अपनी बात रखती दिखाई दी। सनी लियोन ने एक इंटरव्यू में सेक्स एजुकेशन से लेकर उनके नाम पर कर्नाटक में हुए प्रदर्शन पर खुलकर अपनी बात सबके सामने रखी। हाल ही सनी लियोन ने एडल्ट और सेक्स एजुकेशन को लेकर चर्चा की। सनी लियोन ने सेक्स एजुकेशन पर बात करते हुए कहा कि यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे टीचर से सीखा जा सके, ये तो माँ बाप से सीखने को मिलता है। वहीं सनी लियोन ने कर्नाटक में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर कहा कि उन्हें समझ में नहीं आता कि किसी कलाकार का स्टेज शो किसी के विरोध का कारण कैसे बन सकता है। आपको बता दें कि सनी इन दिनों अपने वैक्स स्टैच्यू को लेकर भी चर्चा में हैं। दरअसल सनी लियोन का वैक्स स्टैच्यू लंदन के मशहूर मैडम तुसाद म्यूजियम में लगने जा रहा है। इस पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि वे इसके लिए मैडम तुसाद के आभारी हैं। इसके बारे में जानकर वे काफी उत्साहित हैं, लेकिन अब सनी लियोन का ये इंटरव्यू सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन रहा है।